हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल जीनस क्लासेस, और मैं विपुल शर्मा आप सभी बच्चों का वेलकम करता हूं। तो आज हम फिर से कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास लेकर के आए हैं, और क्वेश्चन नंबर 8, पार्ट 8 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक मेरे पिछले 7 पार्ट नहीं देखे तो भाई जरूर देखें जा करके, 7 के 7 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आज हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8 लेकर के आए हैं, ठीक है ना। तो भाई क्लास में बने रहेगा, एंड तक देखेगा तो ही आपको प्रॉपर समझ में आएगा। चलिए क्लास पे चलते हैं आपको लेकर के, और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी क्लास को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ऐसी ही क्लासेस को देखने के लिए। ओके, चलिए आइए लेके चलता हूँ आपको अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है बच्चों? क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ अपना। क्या लिखा हुआ है बच्चों क्वेश्चन के अंदर? कह रहा है कि एक्सप्लेन नॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल वेस्टेज एंड एबनॉर्मल गेन्स एंड स्टेट हाउ दे शुड बी डेल्ट विद इन प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट। यानी कि कह रहा है कि सामान्य अपव्यय, यानी कि नॉर्मल वेस्टेज को एबनॉर्मल वेस्टेज, असामान्य अपव्यय और असामान्य लाभ की व्याख्या करें और बताएं कि उन्हें प्रक्रिया लागत खातों में कैसे निपटाया जाना चाहिए। चलिए डिस्कस करते हैं इसके ऊपर, चलिएगा। क्या लिखा हुआ है बच्चों? मैं आपको बता दूं, नॉर्मल और एबनॉर्मल के बारे में छोटी सी चीज बता दूं, एग्जाम्पल सुन लो। नॉर्मल का मतलब होता है जो हमें पता हो कि इतना तो वेस्ट होगा ही होगा। जैसे कि अगर मैंने बोला कि मेरा सूरत से माल आना है, और माल जो आना है वो घी के टीन आने हैं, तो मैंने घी के जो टीन आने हैं वो ट्रक में आने हैं। कितने टीन? 1,000 टीन आने हैं। कितने टीन आने हैं? 1,000 टीन आने हैं। तो मैंने पहले से ही एज्यूम कर लिया कि भाई सूरत से लेकर के सहारनपुर तक जो ट्रक आएगा तो भाई बीच में गड्ढे लगेंगे, डैके लगेंगे, तो टीन इधर उधर होकर के एक आधा टीन तो फूट ही जाएगा। तो मैंने अपने खातों में लिख दिया 5 टीन तो मेरे खराब हो जाएंगे, मुझे तो सिर्फ 995 टीन मिलेंगे, है ना। तो मैंने ये जो माना है इसको तो बोलेंगे नॉर्मल, नॉर्मल वेस्टेज। एबनॉर्मल का मतलब होता है कि जिसका सोचा ही ना हो, सोचे तो थे 5 टीन खराब होंगे, हो गए 20 टीन खराब, है ना। और एबनॉर्मल गेन का मतलब क्या होता है? कि भाई सोचा था तो 5 खराब होंगे लेकिन खराब हुए सिर्फ 3, है ना, ये हो गया एबनॉर्मल गेन, सोचा ही नहीं था, ठीक है ना। आइए विस्तार से पढ़ते हैं एक एक के बारे में, देखिएगा। नॉर्मल एंड एबनॉर्मल वेस्टेज इसके बारे में बता दूं बच्चों आपको मैं। इट इज ऑब्वियस टू हैव सम वेस्टेज इन ईच प्रोसेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोडक्शन। द वेस्टेज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मे बी डिवाइडेड इन टू 2 कैटेगरीज। यस, क्या क्या है? नंबर 1 बच्चों, नॉर्मल वेस्टेज क्या है? इट इज लॉस विच इज अनवॉइडेबल ऑन अकाउंट ऑफ इन हर नेचर प्रोडक्शन प्रोसेस। सच लॉस कैन बी एस्टिमेटेड इन एडवांस ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस और अवेलेबल डाटा। यानी कि अपने पिछले एक्सपीरियंस को देखते हुए, अपने पिछले डाटाओं को देखते हुए, यानी कि इन डाटाओं को देखते हुए हमने क्या कर दिया? पहले से ही एडवांस में सोच लिया कि भाई इतना माल तो मेरा खराब हो जाएगा, इतना माल तो मुझे खराब मिलेगा, इतना माल तो जनरली खराब हो ही जाता है। इसको बोलते हैं नॉर्मल। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, क्या लिखा हुआ है? इट जनरली गिवन इन टर्म परसेंटेज इन क्वेश्चन द नॉर्मल वेस्टेज इन नॉर्मल नॉर्मल लॉस विच कैन नॉट अवॉइड अवॉइडेड। देयर फॉर द बर्डन ऑफ द लॉस ऑफ दिस लॉस इज चार्ज टू द बैलेंस प्रोडक्शन विच इंक्रीज द पर यूनिट कॉस्ट फॉर प्रोडक्शन। दे फॉलोइंग टर्मिनोलॉजी शुड बी अंडरस्टूड अलॉन्ग विद नॉर्मल वेस्टेज। अगर हम बात करें बच्चों नॉर्मल आउटपुट, नॉर्मल आउटपुट का मतलब क्या होता है? सामान्य उत्पादन का नॉर्मल आउटपुट इज डिटरमाइंड इज बाय डिडक्टिंग यूनिट ऑफ नॉर्मल वेस्टेज आउट टोटल यूनिट सप्लाई इन एनी प्रोडक्शन प्रोसेस। इन सिंपल वर्ड, नॉर्मल आउटपुट मीन्स द टोट नॉर्मल डेट क्वांटिटी ऑफ आउटपुट विच इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट है। पिछले एक्सपीरियंस को देखते हुए हमने जो जो हमें प्रोडक्शन करना है, जो हमें उत्पादन करना है क्वांटिटीज का, है ना, तो हमें क्या है उसको बोलते हैं सामान्य। भाई इतना तो नॉर्मल सी बात है, इतना तो प्रोडक्शन होगा ही होगा कंपनी के अंदर।
भाई हम 10,000 पेन बनाते हैं हर बार कंपनी के अंदर एक महीने के, तो 10,000 तो बनेंगे बनेंगे, इसको बोलते हैं सामान्य उत्पादन। अगर अब मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं आपसे जैसे कि नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो लिखा हुआ है नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज डिटरमाइंड आफ्टर डिडक्टिंग द अमाउंट रिसीव फॉर द सेल ऑफ नॉर्मल वेस्टेज आउट ऑफ ग्रॉस कॉस्ट ऑफ एनी प्रोडक्शन प्रोसेस। द प्रोड्यूसर जनरली डिटरमाइन सेलिंग प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ द कॉस्ट, ठीक है ना। कॉस्ट के बेस पे उत्पादन करना नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है। ये आप पढ़ लेना, इसकी एंट्री दी हुई है बच्चों, क्या क्या ट्रीटमेंट होता है नॉर्मल वेस्टेज का, मैंने पहले भी बताया है। ये होता है ऑन द सेल ऑफ, अगर बात करें आपसे ऑन द सेल वैल्यू ऑफ नॉर्मल वेस्टेज, तो एंट्री बनती है नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस अकाउंट, ठीक है ना। और ऑन द कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ वेस्टेज यूनिट, अगर आपको पैसा रिसीव हुआ हो उस वेस्ट यूनिट को, तो कैश अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल वेस्टेज। यानी कि जैसे कि आपको बता दिया मैंने कि भाई एक 1,000 यूनिट प्रोडक्शन हुआ, मैन्युफैक्चर हुई, पर 50 यूनिट क्या होगी, खराब हो गई, वेस्टेज हो गई, है ना। लेकिन जो 85 वेस्टेज हुई ना, ये वैसे तो यूनिट 10 रुपये की एक थी, लेकिन वेस्टेज ना ये 2 रुपये की एक बिक जाएगी। तो आप 2 रुपये की जब एक बिकेगी तो कितना पैसा आ गया आपके पास, 50 दूनी 100 रुपये। तो इसको बोलेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल वेस्टेज, याद रहेगा आपको। चलिएगा अब नॉर्मल के बारे में बात करते हैं। वैसे तो मैंने मोटा मोटा सा बताया, लेकिन फिर भी आइए बात करते हैं अब नॉर्मल वेस्टेज के बारे में। अब नॉर्मल वेस्टेज का मतलब होता है जिसके बारे में सोचा ही ना हो। जैसे कि सोचा था 5 टिन खराब होंगे, लेकिन हो गए 20 टिन खराब, या एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में काफ़ी सारे टिन डिस्ट्रॉयड हो गए। जैसे कि एनी लॉस कॉजेज बाई अनएक्सपेक्टेड और अबनॉर्मल कंडीशन सच एज प्लांट ब्रेकडाउन, सच स्टैंडर्ड मटेरियल, केयरलेसनेस, एक्सीडेंट एक्सेट्रा, और लॉस इन एक्सेस ऑफ मार्जिन एंटिसिपेटेड ऑफ नॉर्मल प्रोसेस लॉस शुड बी रिगार्डेड ऑफ एबनॉर्मल प्रोसेस वेस्टेज, ठीक है ना। समझे बात को, कि एबनॉर्मल जैसे यानी कि आपने किसी चीज़ की कल्पना भी नहीं की थी, अनएक्सपेक्टेड, है ना, एक्सेप्ट ही नहीं किया था आपने कि भाई मेरा इतना नुकसान हो जाएगा, तो वो लॉस हो गया। चाहे वो एक्सीडेंट में हो सकता है, वो केयरलेसनेस में भी हो सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल, इफ 1,000 यूनिट सप्लाई इन द प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द प्रोड्यूसर एस्टिमेटेड 5% नॉर्मल वेस्टेज, यानी कि 1,000 यूनिट थी, उसने सोचा कि 5% तो खराब हो गई होगी, द प्रोसेस प्रोड्यूसर 920, बट अगर मैं 5% कहूँ तो 50 यूनिट खराब होनी थी, लेकिन आपको कितनी मिली वहाँ पे, आपको मिली 920, यानी कि 80 यूनिट खराब हुई। तो ये जो 30 यूनिट का है, ये जो 80 में से आप क्या कराओगे, अब नॉर्मल 80 यूनिट में से आप क्या घटाओगे, 50 यूनिट घटा दोगे, तो कितना आएगा, 30 यूनिट। ये 30 यूनिट जो है वो आपकी क्या होगी, अब नॉर्मल हो गई, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आई होप आपको अच्छा समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। हिंदी में ले लें, स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया वीडियो पॉज करके, उसके बाद आप यहाँ इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं अबनॉर्मल वेस्टेज का। तो इसका सिंपल ट्रीटमेंट है अबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस अकाउंट, और अगर उसको पैसा रिसीव हुआ हो आपसे, आपको पैसा रिसीव हुआ उसको, है ना, तो जैसे कि इंश्योरेंस वगैरह हो जाता है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू अबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट, ठीक है। और इसका एक फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला तो आपको बताइए, ये कॉस्ट ऑफ अबनॉर्मल वेस्टेज, नॉर्मल वेस्टेज ऑफ प्रोसेस अपॉन नॉर्मल आउटपुट इनटू यूनिट ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज, ठीक है ना। इसके बाद इसको पीएल में ट्रांसफर कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल वेस्टेज, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको प्रिपेयर करते हैं, ये लिखा हुआ है जैसे यहाँ पे, टू प्रोसेस के अंदर डालते हैं, यूनिट डाल देते हैं, अमाउंट डाल देते हैं, और अगर हम पैसा रिसीव हो बाई कैश डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है, यूनिट और अमाउंट, और क्या कर देते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस निकल जाता है हमारा, ठीक है। और लास्ट आता है बच्चों अब नॉर्मल गेन। अभी मैंने बताया आपको, सोचा था पहले से ही डाल दी कि भाई 50 यूनिट तो खराब होंगी होंगी, ये तो वेस्टेज है, नॉर्मल वेस्टेज डाल दिया पहले से ही आपने, बट क्या हुआ, आपको तो सिर्फ 20 यूनिट खराब हुई, 30 जो है वो एबनॉर्मल हो गया। इसको क्या बोल देंगे, एबनॉर्मल बोल देंगे। तो आपको इसको लिख लो, इन केस ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस मोर देन द एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन द एक्सेस इज नोन एज एबनॉर्मल इफेक्टिव। ये क्या है, जो आपका ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया इसको इफेक्टिव बोल देंगे, ठीक है ना। द सेविंग ऑफ गेन काउजेज टेम्प्रेरी देयर फॉर द
पेशेंट्स ऑफ एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस शुड नॉट बी अलाउड द अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट इन नॉर्मल सर्कमस्टांस दे देयर फॉर शैल बी वैल्यू इज द रेट ऑफ विच गुड्स यूनिट वुड हैव बीन वैल्यू हैड देयर बीन वेस्टेज इज द नॉर्मल रेट. ठीक है ना, समझ में आया सभी को? एक बार फिर समझा दूँ मैं, चलिएगा एक बार फिर समझा देता हूँ, देखिएगा. जैसे कि मान लो आपने 1000 यूनिट प्रोड्यूस की, प्रोडक्शन जो है वो 1000 यूनिट की है, और आपने पहले से ही नॉर्मल वेस्टेज कर दी, 50 यूनिट. क्या कर दी? नॉर्मल वेस्टेज कर दी. तो 950 तो होनी चाहिए ना आपके पास, है ना? लेकिन आपके पास ना 980 हुई, 980 यूनिट आपको रिसीव हुई. तो जो आपने 30 यूनिट जो एक्स्ट्रा आई, इस 30 यूनिट को हम बोल देंगे, इस 30 यूनिट को हम क्या बोल देंगे? अब नॉर्मल गेन. याद रहेगा, इसकी एंट्री भी होती है. क्या एंट्री पास होती है भाई बच्चों? आइए देखो, ये लिखा हुआ है, फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, ये पढ़ सकते हो. एबनॉर्मल गेन इज इक्वल टू सेविंग ऑफ एक्चुअल वेस्टेज, यानी कि नॉर्मल वेस्टेज माइनस कर दो, नॉर्मल वेस्टेज माइनस एक्चुअल वेस्टेज. ठीक है ना, यानी कि नॉर्मल वेस्टेज जो आपने लेट किया, जैसे अभी बताया मैंने आपको, क्या लेट किया था? 50, और एक्चुअल में हुआ सिर्फ 20. तो जो 30 आया, ये आ गया आपकी एबनॉर्मल गेन. ठीक है ना, ध्यान रहेगा आपको. एंट्री इसकी क्या होती है? एबनॉर्मल गेन या इफेक्टिव की प्रोसेस अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल इफेक्ट, यानी कि क्या होता है, प्रोसेस के डेबिट में आता है, और नॉर्मल एबनॉर्मल इफेक्टिव अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल वेस्टेज. ठीक है ना, और एबनॉर्मल इफेक्टिव अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट. ठीक है, इसकी एंट्री बनती है, इसको इस प्रकार से शो करते हैं. नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट यहाँ पे लिखा, यूनिट लिख दी, अमाउंट लिख दी, उसके बाद प्रोसेस में यहाँ पे लिख दी, उसके बाद टू पीएल आ जाएगा यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर में. ठीक है, तो ये बच्चों हमारी है. बाकी क्लोजिंग ऑफ नॉमिनली इतना खास नहीं है, बस इसके बारे में आप पढ़ लेना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें सभी लोग. ठीक है, तो आई होप सबको क्लास समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी. और अगर अच्छी लगी है, मेरा क्वेश्चन अच्छा लगा है, मेरा पढ़ाना अच्छा लगा है, तो भाई आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना. मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ सभी स्टूडेंट से, कमेंट जरूर टाइप करें, कमेंट जरूर टाइप करें. ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है. आप लोग जितने भी मेरी क्लास देख रहे हैं, सब लोग एक कमेंट तो बनता है, आप कुछ भी कमेंट टाइप करें. क्लास कैसी लगी आपको, दिल से कमेंट लिखना. ठीक है ना, अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर लिखें. ठीक है ना, चलिए अब आपसे कल मुलाकात होगी क्वेश्चन नंबर 9 के साथ. और बीच बीच में आप रुक करके पॉज करके वीडियो का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, ताकि आपको ये काम आए. ठीक है ना, एक बार मैंने क्वेश्चन फिर भी ओपन कर दिया. चलिए बच्चों, बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, फर्स्ट टाइम देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब करना. जिन लोगों को मुझसे बात करनी है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में बड़ा है, जाके ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, चलिए अब आपसे कल मुलाकात होगी क्वेश्चन नंबर 9 के साथ. तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू.